हेलो दोस्तों, मिस्टर प्रेसिडेंट की इस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में हम बात करते हैं WWE गॉसिप्स के बारे में, WWE में क्या हो रहा है आजकल इसके बारे में। और सबसे जो मेन चर्चा जो चल रही है वो है रोमन रेंज के ऊपर, रोमन रेंज के टाइटल रेन के ऊपर। पता नहीं यार लोग क्यों खुश हो रहे हैं इसका, ये इनके आपस में लड़ने में, ब्लड लाइन जो आपस में लड़ रही है। और ये रोमन रेंज के जो दो भाई हैं, जे उसो जिमी उसो, आपस में लड़, आप जरा सोचो, आपके अगर दो ऐसे कोई कजन भाई हैं, आप आपस में लड़ रहे हो आप चारों, और पब्लिक में कहते हैं पब्लिक तो हंसेगी, जनता का काम ही हंसना है दूसरों के घर की लड़ाई में। तो कहने का मतलब क्या है कि यार मेरे को तो बिल्कुल भी इससे अच्छा नहीं लगा। और मेरे को खुशी होती कि या जिमी या जे उसो दोबारा जीतते, या ब्लड लाइन के मेंबर्स रोमन रेंस और सोलो सिकोवा जो मैच हुआ वो जीतते, मेरे को ज़्यादा उसमें खुशी होती। ये मेरे को फंडा समझ में नहीं आया। मेरे सच बताऊं तो भाई सैमी जेन और केविन ओवेंस तो मेरे को पसंद ही नहीं है। सैमी जेन तो मेरे को शुरुआत से पसंद ही नहीं था, वो चोर जैसी शक्ल है उसकी। मतलब ऐसा लगता है कि सैमी जेन घर में आया ही चोरी करने। जब वो सैमी जेन जिस दिन आया था ब्लड लाइन में, उसी दिन से मेरे को समझ में आ गया था भैया अब ये यहाँ पे से कुछ गड़बड़ होगी। उसके इंटेंशंस हम जो हम कहते हैं शुरुआत से कि सैमी जेन की इंटेंशंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई अभी इंटेंशन सही रही नहीं। सैमी जान शुरुआत से ही उसके दिमाग में वो रहा होगा ब्लड लाइन को तोड़ना है तोड़ना है, आज ये कंडीशन हुई है। लेकिन रोमन रेंस को उतना भाव नहीं देना चाहिए था सैमी जान को। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मेरे को लगता है कि यार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, आप सोचेंगे क्या क्यों कैसे, शॉक हो जाएगा, कहेंगे कि क्या बात है, बेवकूफ़ी है, रोमन रेंस को जीतना चाहिए। जो रोमन रेंस का लेगेसी है ना, वो एक टाइटल दो टाइटल तक नहीं है, वो तो वो कहते हैं ना गॉडली टाइप की लेगेसी है। ऐसा कुछ हो कि रोमन रेंस वर्ल्ड टाइटल जीत जाए सेट रॉलिंस से, और WWE चैंपियनशिप जो उसका है, रोमन रेंस के पास है, वो हार के हार जाए, कोडी रोड्स के पास आ जाए। मतलब ये होना चाहिए कि क्योंकि आप देखो स्मैकडाउन या नाइट ऑफ चैंपियंस या ये रेसलमेनिया किसकी वजह से चले, इस बात को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरा ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से चल रहे हैं। जजमेंट डे वाले कह रहे हैं कि हम बड़ा बिग सेगमेंट हैं, जजमेंट डे नहीं है यार वो बात, डेनियल प्रीस्ट, डेमियन प्रीस्ट, मतलब नहीं है वो बात। ये तभी भी ऐसा लगता है कि कुत्तों के फौज के आगे है, कुत्तों की फौज है, एक दूसरे शेर शेर है। ब्लड लाइन से बेहतर और कोई सेगमेंट और कोई स्टोरी लाइन है ही नहीं। उसका कारण है कि कुछ एक वो फैमिली वाली चीज भी आती है ना। अब ये जो है ये जजमेंट डे क्यों बनाया है, इसके पीछे का क्या है। और वहीं ये देखो ब्लड लाइन, इसे समझ में आ रहा है कि भाई पूरे जिसे कहते हैं ये समोन फैमिली के लोग आ रहे हैं वहां पे। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हो सकती है वो ब्रॉक लेसनर से कुछ और बेहतर किया जाए। कोडी रोड्स, यार कोडी रोड्स, मैं सच बताऊं कोडी रोड्स ना, इंट्रेंस कोडी रोड्स का और बोलने तक माइक पर, यहां तक इंटरटेनिंग है वो, इसके आगे नहीं है उतना एंटरटेनिंग। अनटिल एंड अनलेस कुछ जैसे आजकल हो रहा है ना, कोडी रोड्स को मार पिटाई हो रही है। मतलब कोडी रोड्स की लेगेसी ही ये है कि वो उसके चार दोनों हाथ टूट जाएंगे, पाँव टूट जाएंगे, फिर भी लड़ने के लिए आएगा। इसमें अच्छा लग रहा है कोडी रोड्स, लेकिन वहां जाकर वो सिंपल मैच दे रहा है तो मजा नहीं आ रहा। अगर आपने नोटिस की होगी तो वही रोमन रेंस के साथ अपोजिट है। रोमन रेंस के खाली जिसे कहते हैं उसको देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। WWE को एक्सपेरिमेंट करने में डरना नहीं चाहिए। उनको रोमन रेंस को अगर अनडिस्प्यूटेड टाइटल दिला देते तो मेरे को लगता है कि उसमें कोई बुरा नहीं था। और वैसे भी ये सैमी जेन को नहीं इतना पुश करना चाहिए था। सैमी जेन से पहले बहुत लोग हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन है, रिकोशिये है, और ड्रू मैकएंटायर है। यार सीमस नहीं, सीमस मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों सीमस पसंद नहीं आता हमको। व्लॉगिंग अच्छी करता है सीमस,
इंस्टाग्राम में रील अच्छी बनाते हैं, लेकिन यहाँ रिंग में मेरे को पसंद कभी नहीं आया सेमस। और इस तरह के जो, और यहाँ पर एक और चीज़ चेंज अब करने की आवश्यकता है, जजमेंट डे को ब्रेक करने की आवश्यकता थी और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का वापस जोड़ देने की उनको आवश्यकता थी। जजमेंट डे को इतना भी पुश करने की आवश्यकता नहीं है यार। जजमेंट डे मतलब ये मज़ा नहीं आता है उनके उसमें। एक तो होता है ना नेगेटिव वाले भी, उनको देखकर थोड़ा एन्जॉयमेंट होता है। रिया रिप्ले अपनी जगह ठीक है, हाँ उसमें हम कह सकता हूँ मैं, रिया रिप्ले अपनी जगह ठीक है, लेकिन जजमेंट डे एज अ होल, जब फिन बेयर अकेला था तब वो ठीक था, डेमिन प्रीस्ट को मैंने उतना देखा नहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के साथ सही था, रिया रिप्ले तो अकेले भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अगर डोमिनिक मिस्टीरियो हो या एक कोई हो तब ठीक, लेकिन ओवरऑल जजमेंट डे सेगमेंट मेरे पसंद नहीं आया। मैं बस इसमें इतना ही, बस लास्ट में ये मेरे व्यूज तो यही रहेंगे कि यार ब्लडलाइन को ऐसे टूटना नहीं चाहिए यार, ब्लडलाइन का टूटना मजा नहीं आएगा फिर। अभी तो मजा आ रहा है हमको, लेकिन आगे को जाके जब हम देखेंगे कि ब्लडलाइन रही नहीं, तो इंटरटेनमेंट फिनिश हो जाएगा और जजमेंट डे उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप बताइए आपके क्या व्यूज है। थैंक यू।